मैं सी फूड्स का बड़ा शौकीन हूँ। एक अरसे से सी फूड्स के लिए दर बदर की ठोकरें में खा रहा था। किसी दोस्त ने बताया कि सिकरदू में भी अब सी फूड्स जो हैं वो मिल सकते हैं एक अच्छे माहौल में। लग रहा हो कि मैं किसी महल में बैठा हूँ, लेकिन मैं किसी महल में नहीं बैठा। मैं सिकरदू के खूबसूरत होटल में जहाँ सी फूड्स आपको मिल सकती हैं आसानी के साथ। फिश डे इस होटल का नाम है। सो पहले खाने का जायका चखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। खाना मैं खा चुका हूँ और द फूड वॉज फैंटेस्टिक, बहुत मज़ा आया। अब उन कराची में दो दरिया पे जाकर हम सी फूड्स का मज़ा लेते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट यहाँ पर था। तो आए आपको कुछ और मनाजिर दिखाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर डेली के हिसाब से जो रेड लिस्ट है वो अपडेट कर दी जाती है, और आप वहाँ पर स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, रेट्स बिल्कुल मुनासिब हैं। फैमिली के साथ अगर आप आना चाहें, आजकल इशू यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर निकलना चाहते हैं, आपको कोई अच्छी जगह चाहिए होती है, पुरसकून जगह चाहिए होती है जहाँ बच्चे खेलें कूदें और साथ फैमिली जो है एक अच्छे माहौल में जाकर खाना खाए, तो यहाँ पर फैमिली के लिए भी पोर्शन बनाया गया है। ये पोर्शन फैमिली के लिए है और यहाँ आप अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आ सकते हैं और यहाँ बैठ कर सी फूड्स का मज़ा ले सकते हैं। एंट्री पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है। वो कहते हैं कि पहली नज़र में आपको चीज़ अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ये अलमदार चौक पर, अली चौक और अलमदार चौक के दरमियान ये फिश डे रेस्टोरेंट है, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत खूबसूरत है। लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त की गई है, हॉल बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, कुर्सियाँ भी बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रखी गई हैं। तो इस होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं, इनका बड़ा तजुर्बा है सी फूड्स पर, होटलिंग पर और रेस्टोरेंट पर भी ये काम कर चुके हैं, और लाहौर में भी एक अरसे तक KFC के साथ आप मुंसलिक रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं, ज़रा बाहर आइएगा। तो सर, कैसे ख्याल आया कि सिकरदू में भी कोई इस तरह की मुनफरद जगह होनी चाहिए जहाँ पर सी फूड्स को हम ट्राई करें? सिकरदू में मुझे ये बताइएगा, सी फूड का जो चंक है लोगों को, सी फूड खाने का जो शौक़ है वो कितना लोगों को है? क्या रिस्पॉन्स है? लोग क्या आपकी तरफ आ रहे हैं, कॉल करते हैं, ऑर्डर करते हैं चीज़ें? ज़रा मुझे तफसील बताइएगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमने जो मार्केट जो ने सर्वे किया तो उसमें हमने ये पाया कि जो सी फूड है ना वो मिसिंग है। ठीक है, चाइनीज़ है, पाकिस्तानी है, कॉन्टिनेंटल है, फास्ट फूड है, लेकिन सी फूड नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद जो है ना इसको ट्राई करें। तो दूसरी बात, हमारे शेफ़ साहब जो है वो सी फूड एक्सपर्ट था। अच्छा, तो हमने जो है ना इस चीज़ से जो है ना फ़ायदा उठाने के लिए हमने कहा जी चलो सी फूड जो है ना लॉन्च करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। सही, रेस्टोरेंट की लुक बड़ी डिफरेंट है। अमूमन सिकरदू में हम रेस्टोरेंट्स विजिट करते हैं, जैसे आपने कहा चाइनीज़, कॉन्टीनेंटल, मुख्तलिफ तरह के जो फूड है वो हम ट्राई करने जाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट बड़ा काउंट करता है खाने के लिए। बंदा एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के खाना खाना चाहता है। आपने यहाँ पर पूरा माहौल बना दिया है। इंटीरियर जो आपने सेटिंग की है या डेकोरेशन की है, ये कहाँ से आपने आइडिया लिया? खर्चा कितना किया मैं पूछूँगा नहीं, क्योंकि देख के अंदाज़ा होता है कि खर्चा आपने बड़ा किया। असल में ना हम मुख्तलिफ जगहों पे काम कर चुके थे, लाहौर में, कराची में, उसके अलावा बैरूनी मुल्क भी आल्सो। तो हमने कहा यार उस चीज़ को वहाँ पे जो चीज़ें हैं तो उसी अंदाज़ में हम यहाँ पे क्यों ना अप्लाई करें। तो यहाँ पे उस स्टैंडर्ड का जो है ना हमने कोशिश किया है कि वो एक इंटीरियर जो है ना सेटअप लगाएं। तो हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना मिसिंग है। तो नेक्स्ट सीज़न तक इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और डेवलप करें। जैसे हमारे जो रूम्स है उसमें हमने सीटिंग अरेंजमेंट की है। अच्छा, रूम्स भी आपके पास? बिल्कुल जी, सीटिंग है, लेकिन उसमें हमने जो है ना आम जो हमारा नॉर्मल होता है ना गद्दी लगाया, उसके अलावा जो है ना नीचे जो हमारे पुराने ज़माने में होता था जो अपना एक टेबल नीचे जो बैठ के खाते थे उस अंदाज से किया, लेकिन हम सोच रहे हैं उसमें जो है ना अरबिक स्टाइल जो है ना वो लगाएं। लेकिन जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सीजन में हम
वो करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर देखें चीज़ें कितनी नफासत से रखी हुई हैं, और चूंकि मैं आज यहाँ पर खाना खा चुका हूँ तो जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो यहाँ के सर्विस स्टाफ है उनका रवैया बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट है, सफाई का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, और यहाँ पर चीज़ें तरतीब से रखी गई हैं। किचन बड़ा खूबसूरत है, और शेफ़ साहब के बारे में वज़ीर साहब ने मुझे बताया कि ये बड़े सीनियर शेफ़ हैं, लाहौर में, कराची में, इवन मुल्क से बाहर भी ये अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अब आप यहाँ पर हैं, काम का क्या रिस्पॉन्स है, लोग आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। ये फर्स्ट टाइम हमने इनिशिएटिव लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब आवाम की जानिब से और स्कर्दियो के जितने भी लोग हैं उनकी जानिब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए। और उसके अलावा हमारे जो रेस्पेक्टफुल जो टूरिस्ट वगैरह भी जो यहाँ पर आए हुए हैं तो उनकी तरफ से भी एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पर मशीनें मैं बड़ी देख रहा हूँ, फास्ट फूड भी क्या अवेलेबल है? यस सर, इसमें फर्स्ट टाइम स्कर्दो सिटी में सी फूड के हवाले से फास्ट फूड की फौदान था, तो उस कमी को पूरा करते हुए हमने यहाँ पे सी फूड फास्ट फूड भी यहाँ पे हमारे पास हमने शुरू कर दिया है, और उसका भी अल्लाह का शुक्र है आवाम की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स है। सही, थैंक यू। यहाँ पर आप देखें प्रोफेशनल होने का फ़ायदा यही होता है कि सफाई का कितना ख्याल इस किचन में रखा गया है। बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन है, और जो किचन स्टाफ है उन्होंने प्रॉपर जो फूड SOPs हैं उनका भी ख्याल रखा हुआ है। वज़ीर साहब बाहर काउंटर पर आपको मिलेंगे, सबसे पहले मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसके बाद जो हमारे शेफ साहब है ये बहुत कम आपको दिखाई देंगे, चूँकि इनका काम जो है वो किचन पर है और वज़ीर साहब कस्टमर्स को डील करते हैं। तो वज़ीर साहब और जो हमारे शेफ भाई हैं उनसे ज़रूर आप एक बार आकर मिलें। सी फूड्स किस तरह बनते हैं और किस हालत में बनते हैं, किस सफाई में बनते हैं, इसका अंदाज़ा तो आपको वीडियो देखने के बाद हुआ होगा। वज़ीर साहब, क्योंकि आप ओपन करके आपने कर दिया है जी सर, मेरे ख्याल में कुछ माह ही हुआ है इस कारोबार को सेटअप किए हुए, तो इस वक्त जो लोग आना चाहें उनके लिए कोई स्पेशल ऑफर है? फर्स्ट वन वीक जो है ना हमने 50% डिस्काउंट ऑफ रखा था जी, तो उसका जो है ना हमारे आवाम ने जो है ना भरपूर फ़ायदा उठाया। अच्छा, तो हमने तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख की मछली मंगवाया था, वो सिर्फ 5 दिन में ख़त्म हो गया। ज़बरदस्त। तो आवाम ने जो है ना फूड टेस्ट किया, तो जो लोग पहले फूड टेस्ट कर चुके हैं वो अल्लाह के फजल व करम से अभी भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी वो तशरीफ़ लाते रहेंगे जी। तो दोस्तों, अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो फ़िश डे रेस्टोरेंट लाजमी तौर पर तशरीफ़ लाएँ। एड्रेस आपको बताते चलें, अलमदार चौक और अली चौक के बिल्कुल दरमियान में ये रेस्टोरेंट बाकी है। बस आपने सिर्फ चंद सीढ़ियाँ चढ़नी है, उसके बाद आपने रेस्टोरेंट पहुँच जाना है। फेसबुक पर भी इनका पेज है, www.facebook.com/fishdayskardu, और यहाँ पर QR कोड भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो एक बार इसको स्कैन कर लीजिएगा, इनकी तमाम मालूम जो है आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर मिल जाएंगे। प्रमोशनल प्रोग्राम था जनाब मोहम्मद अली अंजुम और ज़िशान मेहदी को, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।